अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 36 पावर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 36 पावर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो इनको हम लिख सकते हैं एक्स पावर 1/3। सो 36 पावर एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं लिख लूँ 1/x होल पावर 1/3, क्योंकि ये पावर अगर 1 के ऊपर हो तो वही 1 बन जाएगा, इसके ऊपर हो तो वही ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। अब यहाँ पर बोथ साइड्स पावर लेता हूँ, इस साइड से पावर होल पावर 3, तो फिर इस साइड से पावर लेना होगा 3। अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। इसका मतलब यह है कि जब कभी किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो 36 पावर, एक पावर यह है एक्स, दूसरा 3 है, तो ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके ये 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/x होल पावर। एक पावर 1/3 है और दूसरा पावर ये 3 है, तो ये कैंसल आउट जाएंगे। सो 36 पावर 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर रह जाएगा 1/x। अब यहाँ पर मैं एक और पावर लेता हूँ होल पावर, यहाँ पर पावर 1/x, तो फिर यहाँ पर पावर लेना होगा 1/x। तो इस रूल के मुताबिक जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो उनके पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये दोनों पावर 36 के ऊपर दो पावर हैं, 3x हैं, दूसरा 1/x है, तो ये x 1/x कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा 36 पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/x होल पावर 1/x। अब यहाँ पर 36 की जगह लिख लेते हैं 6 पावर 2 होल पावर 3 इज इक्वल टू 1/x होल पावर 1/x। फिर से ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो प्रोडक्ट होते हैं। तो 6 के ऊपर दो पावर हैं 2 एंड 3, सो 6 पावर, ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके ये भी 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/x होल पावर 1/x। अब हमारे पास यहाँ पर एक और रूल अप्लाई हो रहा है, वो ये है कि a पावर a इज इक्वल टू b पावर b। इसके मतलब ये है कि यहाँ पर जो बेस हो पावर वही, यहाँ पर जो बेस पावर वही और बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है। तो यहाँ पर बेस 6 है, पावर में 6, यहाँ पर बेस 1/x पावर 1/x, तो ये एक ही जोड़ा लिख लेंगे 6 इज इक्वल टू 1/x। तो x जो है ये इस साइड पे आ जाएगा और 6 यहाँ पर आ जाएगा 1/6। सो ये रहा हमारा रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक्स की जगह 1/6 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो एक्स इज इक्वल टू 1/6, इसको पुट कर लेते हैं एक्स की जगह। सो 36 पावर ऑफ एक्स की जगह 1/6 इज इक्वल टू 1/x की जगह 1/6 और यहाँ पर
क्यूब रूट भी है। ठीक है, अब 36 की जगह लिख लेता हूं 6 पावर 2 होल पावर 1/6। तो पहले मैंने रूल बताया कि किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6 पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर 1/6 पावर में क्यूब रूट है, तो इनको हम लिख सकते हैं 1/6 पावर में 1/3। ठीक है, सो 6 पावर 1/3 इज इक्वल टू, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 ये डिवीजन है तो ऐसे लिख लेते हैं, और ये 1/6 होल पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर 6 पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, इनको हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब ये बेस जो है 1/6 है, तो ये फिर 1/6 नहीं होगा, तो ये 6 हो जाएगा और पावर में वही 1/3। ठीक है, अब 6 पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, इनके साथ मल्टीप्लाई करके 6 पावर 1/3 हो जाएगा। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1/6 ये 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।